नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक में जहां पर आप देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी के जो रमन बल्ला है वो इस समय रोड शो आप दिखा रहे हैं हम आपको। पहले जो उनके समर्थक थे आगे के, अब रैली जो पूरी एक रैली की शक्ल में जो यहाँ के जम्मू के सड़कों के बीचों बीच से होती हुई जा रही है, इस समय के लाइव दृश्य हम आपको। बल्ला साहब भी बल्ले बल्ले, बाकी सारे फले फले। इस बार बल्ला साहब को कोई नहीं रोक सकता। बल्ला साहब की पार्टी कोई मुकाबला कोई रिपोर्टर नहीं। भारी जोश है लोगों में, बदलाव का की शुरुआत हो चुकी है, ये संकेत है। आज जो जन सैलाब कांग्रेस का आप देख रहे हैं ये इस बात का इशारा करता है 26 तारीख को लमन बल्ला जुगल बीजेपी के जुगल किशोर को लाखों की वोट के तादाद से है। ये लोगों का जन सैलाब जो है इस बात का इशारा करता है कि जम्मू के लोग चुके हैं, वो बदलाव वो नाला को पार्लियामेंट में निकाल के रमन बल्ला को जिताना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं। कोई है ही नहीं। अरे भाजपा उधमपुर से लाखों से चौधरी लाल सिंह जीत चुका है, जितेंद्र सिंह इनका हार चुका है, यहाँ उससे लीड से रमन बल्ला जीतेगा। ये आप जन सैलाब 10-20 हजार की तादाद में लोग लाखों में गाड़ियां देख रहे हैं, ये इस बात का इशारा करता है कि रमन बल्ला बीजेपी के खिलाफ जुगल किशोर के खिलाफ ये जंग लाखों के वोट के हिसाब से जीत चुका है। ये जो रैली देख रहे हैं ये जम्मू के लोगों का एक बहुत बड़ा इशारा है रमन बल्ला की जीत का। एमपी बनाया हमारे हर्षपुरा में, देखने भी नहीं आया, मंदिरों में बुलाया नहीं आया। बल्ला साहब की 3 लाख से भारी मौत से जीत होगी। मैडम जी चलिए, तरनजीत सिंह टोनी जो सुचेतगढ़ की दिल की धड़कन है, क्या कहेंगे? सुचेतगढ़ से 70-30 की रेशो से लीड करेंगे, 70-30 की, 70-30 की रेशो से लीड करेंगे 70-30 की, और जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। जम्मू शहर के बच्चा बच्चा जो है, हर घर के नौजवान बुजुर्ग माताएं, अगर आप देखोगे वो ऑटो में देखो किस तरह माता किस तरह से जोश के साथ पूरा घर घर से लोग निकल के बल्ला साहब के लिए और कांग्रेस पार्टी 400 पार का सपना है, वो क्या कहेंगे? वो 400 पार डीजल और पेट्रोल के लिए लोगों को धमकी दे रहे हैं, अगली बार 400 पार डीजल और पेट्रोल मिलेगा। पूरा जम्मू शहर है जिसके साथ उसे रमन बल्ला कहते हैं। शायरी दोबारा बोलिए, शायरी को कहते हैं, खुशी को रोक कहते हैं, जिसके साथ पूरा जेंड के उसे रमन बल्ला कहते हैं। रमन बल्ला जिंदाबाद। मैम रमन बल्ला के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रमन बल्ला जी के कुछ भी रमन बल्ला की देखिए आप।
जरा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा। शक्ति प्रदर्शन क्या है? आज लोकतंत्र को लोग, कल परसों लोकतंत्र को लोग वोट देंगे। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या कर दी, मोदी जी पे विश्वास करके लोगों ने। महिला शक्ति का है, शक्ति भी है। क्या कहेंगे? रमन भल्ला जिंदाबाद, रमन भल्ला जिंदाबाद, रमन भल्ला बल्ले बल्ले, बाकी सारे तल्ले ले 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 ले। महिलाएं देख रहे हैं इस समय जो शक्ति प्रदर्शन, वाह वाह ट्रैक्टर में क्या बात है, बहुत सुंदर है दृश्य जो है ट्रैक्टर में। क्या बात है ट्रैक्टर में, आप ट्रैक्टर में आए? हाँ बिल्कुल, हम बॉर्डर से सरपंच चुकरोई का पूरा हॉल का देख रहे हो। अभी मान लो कांग्रेस जीत चुकी है, अभी छब्बीस का इंतजार कर रही है पब्लिक। बाकी इलेक्शन उधर लाल सिंह जीत चुके हैं, इधर हम जीत चुके हैं, रमन भल्ला जीत चुके हैं, कांग्रेस जीत चुकी है। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास पूरा। मैंने बोला कि छब्बीस की डेट, अभी लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए महिला बुजुर्ग बच्चे बूढ़े सब। देखिए ये जो बीजेपी ने 10 साल से लोगों पे जुल्मों सितम किए ना, ये उसका बदला लेने के लिए आज जो पब्लिक है वो तो करे 10 साल बेमिसाल उनको आप पता चल जाएगा 4 जून को कौन से बेमिसाल होंगे। इस बार किसकी होगी सरकार? कांग्रेस की सरकार होगी। परिवर्तन का वोट होगा, ये देखिए। जिंदाबाद, रमन भल्ला जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। उसका वोट देके और हमें बोला कामयाब करेंगे। हमें बताइए जम्मू कश्मीर की दोबारा जो हमें इसको कामयाब करना है। इस बार चेंज बदलाव होगा, बदलाव जरूर होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर भैया लोग भी हैं। इस बार किसकी सरकार? अब किसी से वोट हम रमन भल्ला को पाएंगे। रमन भल्ला, रमन भल्ला। इस बार रमन भल्ला कम से कम। आज जम्मू नॉर्थ से उदय बानू के बुरारी सिंह, हजारों लोग हमारे साथ यहाँ पर रैली में आए हुए हैं, 50 गाड़ियां बरसात आई हुई हैं, और भल्ला साहब की जीत जो है वो पक्की है, और मुझे मेल है। मैडम ये देखिए ये जन सलाब है ना, आप ही आपके मित्र पूछ रहे थे कि इतना सलाब कैसे, बीजेपी गलत नीतियों से लोग ट्राई ट्राई कर चुके हैं, और ये जो अभी बोले 400 के बाहर, इस बार ये लखनपुर से बाहर। और मैम कैसे हो, बड़ी बड़ी मुबारकबाद, कांग्रेस की जीत पक्का है इस बार। मैडम जी आपने सलाब देख लिया, भल्ला साहब का कांग्रेस पार्टी का सलाब देख लिया, ऐसा क्या है, ऐसा क्या इस बार बदला होगा? भल्ला साहब एक सुलझे हुए इंसान है, काम करने वाले इंसान है, सभी पूरा जम्मू याद है। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? हाय जन सलाम, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार। इस बार आएगा भल्ला, कहेंगे कि देश के हालात बड़े खराब हैं, रियासत जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, लोगों को चाहिए कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट डालें, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा यहाँ रमन भल्ला और जम्मू में लाल सिंह। और तो वो मैडम वो नाचते हुए कांग्रेस का सरकार इस बार राम, बाकी सारे थले थले, रमन जी सारे बल्ले बल्ले, रमन जी सारे बल्ले, रमन भल्ला बल्ले बल्ले, बाकी है थले थले, रमन भल्ला बल्ले बल्ले, रमन भल्ला बल्ले बल्ले, बाकी है थले। Thank you.
सरकार कांग्रेस की। अच्छा। हाँ जी ओहो ये भी सर बीडीसी बीडीसी सर क्या कहेंगे सर? जैसे आप देख रहे हैं आज हजारों की तादाद में रमन भल्ला जी के जो उनके उनके साथ हमने ये रैली निकाली है, ये रैली दर्शाती है कि रमन भल्ला जी की पक्की जीत है और कांग्रेस की पक्की जीत है। भाजपा तो करी जीत हमारी क्या कुछ भी हो, भाजपा जो मर्जी कहते रहे वो तो झुमले वाली सरकार है, वो तो झुमले देती रहती है। हाँ जी हाँ जी हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत है, 10 साल जो हमारे लोगों को जाया है लोग समझ चुके हैं इनके झुमले और जीत पक्का कांग्रेस पार्टी की होगी। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर चाहोगे कांग्रेस को वोट मानिए इस बार असी कांग्रेस जिताना है। क्यों मतलब क्या है? क्यों बदलाव जरूरी है क्या? बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके थैंक यू। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं बड़ी मुश्किल से ये कवर कर पाए इतने लोगों को, बात किस किस की बात रखेंगे, पर फिलहाल अभी भी देखिए पीछे जो अभी भी ये रोड शो जो है शक्ति प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का भी ध्यान रखना है कि कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, वो चीज़ें ध्यान रखना भी जरूरी है। हमने ये सबसे पहले इसी चीज़ पर फोकस करना होता है कि जनता को सुविधा, कोई बीमार हो कोई कहीं कॉलेज हो। और इस समय के आप दृश्य बता रहे हैं आपको विक्रम चौक है और देखिए रोड फॉर एक्सपोर्ट जो कि जब खुलेगा कहीं किसी के चेहरे पर खुशी
चेहरे पर दुख होगा जीत का। तो चलिए, मैदान में जो कूता हार जीत तो लगती रहती है, अगर जीत स्वीकार करने की हिम्मत है, जीत खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो हार का सामना करने के लिए भी हर नेता को, हर किसी को तैयार रहना चाहिए। कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे मात्र अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।